नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो सावन चल रहा है तो हम लेडीज मंदिरों में, घरों में भजन कीर्तन सत्संग का प्रोग्राम रख ही लेते हैं और इसमें करते हैं खूब सारी मस्ती, ढोलक बजाते हैं, भजन गाते हैं और डांस करते हैं। पर क्या आपको भजन पे डांस करना नहीं आता? तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं गाए जाने वाले किसी भी भजन पर डांस कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहले हम पैरों को चलाना सीखेंगे। इसके लिए आपको अपना एक पैर आगे रखना है और एक पैर पीछे की तरफ, ठीक है? अब बस आपको अपने आगे वाले पैर को उठाना है, वन, नीचे रखना है टू, थ्री, फोर, ज्यादा नहीं उठाना है, बिल्कुल हल्का सा, वन टू थ्री फोर, ठीक है? अब हम इसे कमर के साथ चलाना सीखते हैं। दोनों हाथ कमर पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर। हाथों के स्टेप देखेंगे। इसके लिए आपको अपना एक हाथ कमर पे रखना है और एक हाथ इस तरीके से मोड़ के सामने रखना है। अब आपको कोहनी को बाहर की तरफ पुल करना है, वन, वापस आना है टू थ्री, ठीक है? इसी तरीके से आपको राउंड लेना है। पहले हम राइट की तरफ से राउंड लेंगे, फिर हम लेफ्ट की तरफ से राउंड लेंगे। तो चलिए एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर से हमें अपना एक हाथ कमर पे रखना है और दूसरे वाले हाथ को शोल्डर की तरफ लाना है, टच नहीं करना है, बस शोल्डर की तरफ लाएंगे, वन, और बाहर की तरफ खोलेंगे, टू थ्री फोर। आप देखिए मेरी गर्दन भी हाथ के साथ ही मूव कर रही है, वन टू थ्री फोर। इसके बाद दूसरे वाले हाथ से हमें स्टेप को रिपीट करना है, वन टू थ्री फोर। तो चलिए एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो चलिए अब थर्ड स्टेप देखते हैं। इसके लिए आपको अपना एक हाथ कमर पे रखना है और दूसरा हाथ कमर की साइड से घुमाते हुए आपको शोल्डर पे टच करना है। इस तरीके से मुट्ठी बंद रहेगी, अंगूठा आपका शोल्डर को टच करेगा, वन। इसके बाद दूसरे हाथ से आपको यही स्टेप को रिपीट करना है, टू, और शोल्डर अप डाउन करते हुए आपको राउंड लेना है, ठीक है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। पहले आप राइट की तरफ से लीजिएगा राउंड, फिर आपको स्टेप को रिपीट करना है, फिर लेफ्ट की तरफ से राउंड लेना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो चलिए एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक हाथ कमर पे है आपका, दूसरे हाथ को इस तरीके से घुमाना है, वन टू थ्री फोर, अंदर ले जाना है हाथ की कलाई को, फिर बाहर की तरफ मूव करना है, वन टू थ्री, ठीक है? पहले आप राइट की तरफ से करेंगे स्टेप को, वन टू, ऊपर की तरफ ले जाएंगे हाथ को, ठीक है? यहां पे रोकेंगे, फिर दूसरे वाले हाथ से करेंगे, वन टू थ्री फोर। अब इसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे, जोड़ेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। फिर आपको स्टेप को रिपीट करना है दोबारा से। तो चलिए एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव।
5, 6। तो अब हम अपनी फिफ्थ स्टेप देखते हैं। इसके लिए आपको अपना एक हाथ ऊपर की तरफ करना है और एक हाथ नीचे की तरफ। हथेली दोनों हाथों की ऊपर की तरफ रहेगी, ठीक है? और आपको हाथों को इस तरीके से घुमाना है, 1, 2, 3। जैसे हमने फोर्थ स्टेप में घुमाया था अंदर से बाहर की तरफ, सेम आपको इसमें भी ऐसे ही घुमाना है हाथों को, ठीक है? 1, 2, 3। और आपको लेना है राउंड, तो चलिए एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो चलिए एक बार सारी स्टेप्स को म्यूजिक के साथ भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बड़ी हो जाएगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहे।